उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लाख दावे कर रहे, लेकिन दबंग सरकार के इन दावों की धज्जियां उड़ाते फिरते हैं। अपराधी आए दिन किसी न किसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ताजा मामला हमीरपुर जिले का है, जहां दबंगों ने पहले घर में घुसकर पत्नी से छेड़छाड़ किया। जब पति ने विरोध किया तो दबंगों ने पति को गोली मार दी। दरअसल पूरी घटना सिसोलर थाना क्षेत्र के खैरगांव की है, जहां गांव के एक युवक को अपनी पत्नी के छेड़छाड़ का विरोध करना महंगा पड़ा। दबंग ध्रुव राम यादव और सुखेंद्र नाई ने घर में घुसकर पत्नी से छेड़छाड़ हाथ पकड़ खींचने की कोशिश की तो घायल पति ने विरोध किया, जिस पर दबंगों ने गोली मार दी, जिसे वो बुरी तरह से गंभीर घायल हो गया। घायल को आनन-फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। ये सामने आ रहा है कि श्याम रूप पुत्र जगमोहन 38 वर्ष खैर थाना से सोलर हमीरपुर के रहने वाले हैं और जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाए गए हैं। इनको दाहिने छाती में गोली लगी है, घाव जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का है, जो राइट निपल से 4.5 सेंटीमीटर ऊपर है। पुलिस विभाग और कोतवाली की टीम लगी है, जो है फोरेंसिक और ब्लैकनिंग एक्सपर्ट्स की टीम लगी है। मेरे साथ ये हुआ था कि बहुत दिन से मुझसे लगाए थे मारने के लिए, रिपोर्ट करोगे पुलिस सुना दूंगा। वो आया नगुआ, उसने के मार बुलवाया सुसंद ने, और उसने धुराम ने मेरे लगे से गोली मारा, देख दिन सर साढ़े मरवाया किसी के भाई। कितने लोग थे वो, कितने कहाँ से गोली मारी थी? 3 लोग थे मेरे दरवाजे में लग कर के मारे। क्या नाम है आपका? श्याम रूप यादव। घायल की पत्नी का आरोप है कि पूर्व में भी दबंगों ने उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। आपके जैसे वो आया तो हमसे दरवाजे खुलाया, और वो हमने ले जाने के लिए, तो हमने जैसे दरवाजे खोला तो हमें वो हाथ पकड़ लिया उसे ले जाने के, तो हमने इसे झेल दिया। बस इसके बाद में इसके पापा को तुरंत फायर मार दिया। किसने फायर मारा? वो धुराम, धुराम, धुराम। कहाँ पर लगी गोली? आज कहाँ पर आई हैं आप? क्या नाम है आपका? वही घटना की सूचना मिलते ही सिसोर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।